मोतिहारी के हड़ताली कर्मचारियों के नेता भाग्य नारायण चौधरी को बीती रात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में सफाई कर्मी सड़क पर उतरे और नगर थाने का घेराव किया। सफाई कर्मी हाथों में बैनर पोस्टर के साथ निगम कार्यालय से निकले, मुख्य सड़क होते हुए नगर थाना पहुंचे। सफाई कर्मियों ने नगर थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता प्रभुदयाल यादव ने कहा कि सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 जून से शुरू है। जो कर्मचारी हड़ताल को लेकर शांतिपुर धरना नगर निगम के पास दे रहे थे, जबकि बीती देर रात पुलिस ने कर्मचारी नेता भाग्य नारायण चौधरी को बिना किसी मुकदमा वारंट के उन्हें घर से गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर अब ये कर्मचारी घेराव कर रहे हैं। बता दें कि सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी कर्मी 13 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसका नेतृत्व कर्मचारी यूनियन के नेता भाग्य नारायण चौधरी कर रहे थे। इस बीच रात पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। भाग्य नारायण चौधरी के खिलाफ नगर निगम में पूर्व में हुए तालाबंदी को लेकर नगर आयुक्त ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसी मामले को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। मोतिहारी शहर के सफाई मजदूरों, स्थानीय निकाय कर्मियों की मांग, आवाज, उनकी आंदोलन को दबाने की नीयत से श्रमिक संगठनों के नेता, कर्मचारियों, मजदूरों के नेता भाग्य नारायण चौधरी को कल आपको अगारवा मोहल्ले से 2 बजे रात में मोतिहारी नगर थाना प्रशासन के जरिए बिना मुकदमा का कागज बताए हुए, बिना जो है वारंट दिखाए हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। मोतिहारी नगर थाना के प्रशासन खुद संविधान को नहीं मानते हैं, पुलिस मैनुअल को नहीं मानते हैं, उनकी इस दमनात्मक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और हम स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ नगर निगम मोतिहारी की ओर से मोतिहारी नगर के थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर और जिला प्रशासन से श्रमिकों के नेता भाग्य नारायण चौधरी को बिना शर्त रिहा करने की मांग करते हैं।